नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षण योजना, दिनांक कक्षा 8, विषय भूगोल, समय 40 मिनट, लर्निंग आउटकम छात्र परिवहन के विभिन्न साधनों के नाम तथा उनकी उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। छात्र प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल मार्गों को मानचित्र में पहचानते हैं। प्रकरण भारत, यातायात, व्यापार एवं संचार, भाग एक। सहायक सामग्री पाठ्यपुस्तक, शाम पर चौक, डस्टर, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे सामान्य परिचर्चा करेंगे तथा कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे बच्चों हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं। ट्रैक्टर, साइकिल, कार, रिक्शा, बस, रेल, हवाई जहाज आदि साधनों को क्या कहा जाता है। यातायात के साधनों को कितने भागों में बांटा जाता है, यह बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों को बताएंगे कि आज हम भारत, यातायात, व्यापार एवं संचार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। शिक्षक उचित स्वर एवं उच्चारण के साथ पाठ का वाचन करेंगे तथा उसका सारांश बच्चों को बताएंगे। शिक्षक पाठ के मुख्य बिंदुओं को श्यामपट पर लिखेंगे। श्यामपट कार्य, जिन साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति व वस्तुओं का आवागमन होता है, उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। यातायात के साधनों को तीन भागों में बांटते हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। स्थल मार्ग के साधन है साइकिल, रिक्शा, बस, रेल, कार। जल मार्ग के साधन है नाव, पानी के जहाज। वायु मार्ग के साधन है हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। स्थल मार्ग में सड़क और रेल मार्ग दोनों सम्मिलित हैं। सड़कों को कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग 66,687 किलोमीटर है। भारतीय रेल मार्ग का विश्व में दूसरा स्थान है। जल मार्ग, जो कि यातायात का सबसे सस्ता साधन है, उसको दो भागों में बांटा जाता है, आंतरिक जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग। भारत का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। मुंबई, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, तूतीकोरिन, मार्मगोवा, कांडला, न्यू मंगलोर, कोच्ची, नावाशेवा, जवाहरलाल नेहरू, विशाखापत्तनम, चेन्नई, एन्नोर आदि भारत के बड़े पतन हैं। भारत में हवाई जहाज की प्रथम उड़ान सन 1911 में प्रयागराज से नैनी के मध्य हुई थी। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, बेंगलुरु आदि हैं। शिक्षण के पश्चात शिक्षक छात्रों को दीक्षा ऐप पर पाठ से संबंधित वीडियो दिखाएंगे तथा बच्चों से पाठ के मुख्य बिंदुओं को दोहराने के लिए कहेंगे। प्रदत्त गृह कार्य, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, भारत में तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियों के नाम लिखो। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताओ। भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहां चली। आंतरिक जल मार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।